हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड के Q1 FY 21 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आप अपनी स्क्रीन पर हमारा डिस्क्लेमर देख रहे हैं, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड का Q1 FY 21 का एनालिसिस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज के क्लोजिंग के रेट हैं और आज ये 192.90 पर बंद हुआ है। 3.74% की एक अच्छी खासी बढ़ोतरी के साथ में बंद हुआ है। ये आज इसके रिजल्ट्स के आने के बाद का पहला ट्रेडिंग सेशन था। कल शाम को इसका रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाद में आया था और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि आज इसमें एक अच्छी खासी तेजी हुई, खास करके मार्केट के क्लोज होने के पहले इसमें एक अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को हमें मिली है। उसकी वजह है क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो ठीक हैं, हालांकि इनका कारोबार थोड़ा सा कम हुआ है और कारोबार में काफ़ी इनको झटका लगा है, लेकिन फिर भी यदि ओवरऑल वेटेज दिया जाए रिजल्ट को तो वो काफ़ी ज़्यादा ठीक नज़र आते हैं। हम रिजल्ट को डिस्कस करने के पहले एक नज़र डालते हैं इसके एक साल के प्राइस परफॉर्मेंस पर। हम ये जानना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इसमें एक साल पहले इन्वेस्ट किया था, उनके पोर्टफोलियो की आज क्या स्थिति है, क्या उन लोगों को इस शेयर की वजह से कोई फायदा हुआ है या उनको नुकसान है। तो हम हमेशा की तरह ये चेक करेंगे कि एक साल पहले इसके जो प्राइस थे और आज के जो प्राइस हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। एक साल पहले हमने देखा कि इनका जो हाई प्राइस था वो था 129.45 रुपीस और आज ये बढ़कर के 195 रुपीस हो गया है। इसने जो हाई बना है आज का एनएससी की मैं बात कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इस प्रकार से लगभग 50% का इंक्रीज हुआ है लोगों को इसके पोर्टफोलियो में। तो एक ये अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट में। तो ये था एक हिस्टोरिकल मूवमेंट एक साल का, जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव है और ये एक अच्छे सेंटिमेंट को शो करता है कि लोगों का विश्वास है और साथ में मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी इस शेयर में एक पॉजिटिविटी बनाए हुए हैं। और अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे कि जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या वो अभी एंटर करें या नहीं करें, रुकें, या जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो इसमें से एग्जिट करें या क्या करें। तो ये हम लेंगे एक छोटे से टेक्निकल एनालिसिस में। फ्रेंड्स, ये हम एनालिसिस आपको दिखा रहे हैं तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये डेली चार्ट है। जैसा कि आपको मालूम है कि मार्च में कोविड की वजह से सभी शेयरों में एक गिरावट आई है और इस शेयर में भी आई थी, लेकिन उसके बाद में अप्रैल से इसमें सुधार आया है और ये लगातार ऊपर की ओर चला जा रहा है। और अभी हमने देखा कि पिछले लगभग 14-15 जुलाई के बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा तेजी नज़र आई है। और यदि मैं इसको जूम करके आपको दिखा दूं तो आप देख सकते हैं आज इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। इसका 200 डेज मूविंग एवरेज था 182.23, इसको आज इसने ब्रेक किया है, इसने एक ब्रेकआउट लिया है। और जिस तरह से इसका प्राइस मूवमेंट पिछले एक हफ्ते या 10 दिन से दिखाई दे रहा है, तो हमें यहाँ पर लगता है कि ये अभी इसमें तेजी बाकी रहेगी और ये अभी और भी ज्यादा तेज हो सकता है। और ये अभी आज जो बढ़ करके बंद हुआ है शायद लगभग 3.75% के करीब बंद हुआ है। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कैंडल, हमें ग्रीन कैंडल को देखने का इंतजार है और ये किसी भी दिन आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज से बढ़ सकता है ये शेयर। तो इसमें एक अच्छी खासी बेट लगा सकते हैं। बाइंग साइड में अच्छा लग रहा है शेयर शॉर्ट टर्म के लिए। और इसका जो RSI है, RSI भी यही सजेस्ट कर रहा है, ऊपर की ओर है और ये 80 के पास जाने को है। अभी लगभग 72 के करीब ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट भी इसके ठीक आए हैं, हालांकि कारोबार इनका कम हुआ है लेकिन ओवरऑल ठीक है। तो यहाँ पर जो टेक्निकल है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं बाइंग साइड को और शेयर ऊपर जाने के लिए तैयार है। और वही चीज हमको यहाँ पर स्टॉकिस्टिक मोमेंटम में भी नजर आ रही है। ये लगभग 80 के करीब अपना पहुंच गया है 78.44 पर। तो ये एक काफी बड़ा अच्छा इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। और वही चीज यदि हम देखें MACD में, तो आप देख रहे होंगे जो नीचे आप MACD की जो लाइन देख रहे हैं उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और ये
सिग्नल होता है कि शेयर में किस तरह से एक तेजी बनी हुई है और ये तेजी अभी आगे भी बरकरार रहेगी। खासकर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है और इस शेयर ने लगभग 15 दिन पहले अपना 50 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था ऊपर की ओर और आज इसने 200 डेज मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया है, तो ये एक क्लियर कट साइन है, काफी अच्छी इसकी जो रिकवरी कहना चाहिए और या कहना चाहिए कि बुलिशनेस का इसमें साइन क्लियर कट दिखाई दे रहा है और MACD भी यही सजेस्ट कर रहा है, तो ये अभी ऊपर जाने के लिए पक्की तरह से तैयार है। और अब हम बात करते हैं अर्निंग परफॉर्मेंस की। अर्निंग परफॉर्मेंस को यदि हम लें तो तीन पैरामीटर्स में लेंगे जो कि होंगे रिवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। हम हमेशा की तरह ऐसे ही करते हैं तो आज भी हम वैसे ही लेंगे और रिवेन्यू की हम सबसे पहले बात करेंगे। रिवेन्यू Q1 FY20 में 10,561.37 करोड़ था जो कि इस बार कम हो गया है और 5,265.19 करोड़ हो गया है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका बिजनेस कम हुआ है, कारोबार कम हुआ है। कितना कम हुआ है? ये लगभग 50% के करीब इनका कारोबार कम हो गया है COVID-19 की वजह से। हालांकि यहाँ पर कुछ अच्छी खबरें हैं, वो ये खबरें हैं कि इन्होंने कुछ बिट जीत ली है जो कि एयरपोर्ट्स की है और ये एयरपोर्ट्स का मेंटेनेंस करेंगे जो कि है अहमदाबाद, मैंगलोर, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, जयपुर और गुवाहाटी। और ये जो इन्होंने बिट्स जीती हैं उनसे इनको आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। इनके जो कंस्ट्रक्शन और एग्रीगेट रिवेन्यू का इनका जो सेगमेंट है उसमें ये लेते हैं और इनका अहमदाबाद, मैंगलोर और लखनऊ का ऑलरेडी कंसेशन एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। तो ये जो चीज आ रही है एयरपोर्ट की ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाई देगी। और यदि हम बात करें इनके रिवेन्यू की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट है वो जैसा इनका जो मेन बिजनेस है ये उसमें लगभग 62% की कमी आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस में और इसी की वजह से जो इनका ओवरऑल बिजनेस हुआ है वो 50% के करीब कम हुआ है। और यदि इनका IRM का वॉल्यूम देखें तो 7.4 MMT रहा है जबकि पिछले साल ये 18.5 MMT रहा था। और इनका जो माइनिंग का बिजनेस है वो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, 2.9 MMT से ये 2.20 MMT हो गया है। और इनका जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग का है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है और 236 MW से ये 78 MW रह गया है। तो ओवरऑल ये इफेक्ट आ रहा है COVID-19 का और ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा हिट नज़र आ रही है इससे। तो ये था इनका रिवेन्यू का एनालिसिस और अब हम चलते हैं एबिटा का। इनका एनालिसिस करते हैं। Q1 FY20 में 896 करोड़ का इनका रिवेन्यू था जो कि कम होकर के 301 करोड़ रह गया है और इसमें लगभग 66.4% की कमी आई है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा झटका लगा है इनको और इनका जो एबिटा मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया है और एबिटा मार्जिन केवल 5.7% ही रह गया है क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं वो तो बने हुए ही हैं और रेवेन्यू कम हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं इनको एक बड़ा झटका लगा है एबिटा में। और यदि हम बात करते हैं अब इनके प्रॉफिट की तो ये 498.67 करोड़ इनका प्रॉफिट था Q1 FY20 में और इस बार इन्होंने लॉस शो किया है, 148.65 करोड़ का इनका लॉस दिखाई दिया है और ये एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन कंपनी का जो कॉन कॉल है उसमें उन्होंने बताया है कि ये प्रॉब्लम्स सारी जो है वो खत्म होने वाली हैं क्योंकि इन्होंने अभी जो जून में जो पैटर्न देखा है वो काफ़ी ज़्यादा एनकरेजिंग है और जून के पैटर्न से इनको ये लग रहा है कि अब रिकवरी आने वाली है। तो आगे ये पॉजिटिव बना रहेगा इनका सेंटीमेंट। और अब हम बात करते हैं कि क्या ये रिजल्ट मार्केट को पसंद आए हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स यदि हम रिवेन्यू की बात करें, इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है क्योंकि 50% से भी कम इनकी रिवेन्यू हुई है और एबिटा 66.4% कम हुआ है। इसने भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है और प्रॉफिट की जगह इन्होंने लॉस जनरेट किया है तो ये भी इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। लेकिन अब हम डालते हैं एक नज़र इनके
ट्रेडिंग पैटर्न पर। एक हफ्ते के ट्रेडिंग पैटर्न में क्या हुआ, आज लगभग 93 लैक से भी ज्यादा की इसमें ट्रेडिंग हुई है। आज इसने एक हाई बनाया है 195 का। पिछले 8-10 दिनों की यदि मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा एनकरेजिंग यहां पर ट्रेडिंग इसमें होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इनका जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है और लॉस भी आया है, लेकिन केवल सेंटिमेंट की बात है यहाँ पर, क्योंकि ये जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स के पास लगभग 75% की होल्डिंग है। FII अच्छी खासी होल्डिंग रखते हैं, लगभग 20.37 की होल्डिंग रखते हैं, और इन्होंने FII ने लगभग 1% के करीब होल्डिंग अपनी बढ़ाई भी है, और DII के पास भी लगभग 2.5% की होल्डिंग है। और इनके यदि हम वैल्यूएशन की बात करें तो ये एक बड़ी कंपनी है, 21,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, पी रेशियो इनका लगभग 30.38, बुक वैल्यू 34 है, और ये काफी ज्यादा प्रीमियम पर काम कर रहे हैं अभी मार्केट में, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू इनका है वो 5.64 है। इनका EPS 6.35 है, और इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.52 है। हालांकि ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि जनरली जो EPS जो डिविडेंड यील्ड होता है वो 0.60 के ऊपर अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है। और इनकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई हैं इन दिनों, और इन दिनों जैसा कि आपको मालूम है कि मार्केट ट्रेडिंग का है ना कि इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पर जो इनकी डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं वो लगभग 11% हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल एनालिसिस Q1 FY 2021 का अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का। आपको ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।